हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी शो विद मॉम। उम्मीद करती हूँ सारे हेल्दी और हैप्पी होंगे। हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत सुबह उठ के घूमने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से जो बढ़ के है ना, मैं वो ये समझती हूँ कि हमें अपनी किचन की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमें अपने खाने पीने में भी बदलाव करना चाहिए, तो हमें उसके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिस सामान की हमको ज़रूरत होती है ना, वो हमें किचन में अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही किया, जो सामने वाला सेल्फ था ना, उस पर मैंने अपना ज़रूरत का सामान रख दिया ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। ये सेंधा नमक है और मैं पिछले 2 साल से यही यूज़ कर रही हूँ। सादा नमक मैं नहीं यूज़ करती, और परांठों में मैं तिल का तेल और तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। रिफाइंड मैंने बंद कर दिया है बहुत टाइम से। और अपने लिए मैं ये ब्राउन शुगर लेके आई हूँ, और कभी कभी मीठा खाने का मन करता है तो वैसे तो मैं गुड़ ले लेती हूँ, लेकिन आजकल क्या है कि बरसात हो रही है तो खाने में गुड़ इतना अच्छा नहीं लगता है। आप उसकी रेसिपी तो बना सकते हैं पर वैसे नहीं खा सकते, तो मैं ये डेट्स ले आई थी। ये मेरे को बहुत टेस्टी लगी हैं और ये अच्छी भी होती हैं। और मीठे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हनी है, आप हनी यूज़ कर सकते हैं। ये सुबह के टाइम में तो मैं लेती ही हूँ। और जब कभी देखिए हमें शाम के टाइम में भूख लगती है ना, जब स्नैक्स का टाइम हो जाता है, चाय के साथ में कुछ खाने का मन करता है, तो उसमें बिस्किट नमकीन ना खा के अगर हम ये मखाने लें तो ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारे लिए अच्छे भी हैं, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और 2-3 दिन के लिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे ये बिल्कुल कुरकुरे रहते हैं। और फ्रूट्स भी ज़रूरी है, और हरिंदर तो नमक डाल के खाते हैं, मैं बिना नमक के ही खाती हूँ। वैसे कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, मैं कम पसंद करती हूँ, वो तो खाते हैं तो इसलिए मैं उनको अलग से नमक डाल के दे रही हूँ। दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही हूँ अरबी, और बब्बू को बहुत पसंद है और सुबह ही बना देती हूँ मैं। और नाश्ता बना रही हूँ, इधर मैं अपने लिए स्प्राउट्स बना रही हूँ। हरेंद्र भी स्प्राउट्स खाएंगे लेकिन बब्बू नहीं खाता है, उसको तो चाय के साथ पराठे चाहिए, तो उसके लिए मैं चाय के साथ पराठे बना के दूंगी उसको, क्योंकि बच्चों को वही देना चाहिए जो उनकी पसंद का होता है। जब वो हमारी पसंद का नहीं खाना चाहते तो ज़बरदस्ती देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो खुश भी नहीं रहते हैं। तो जब बच्चे खुश होकर नाश्ता ना करें तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है। और ये टाइम भी होता है बच्चों का पराठे वराठे खाने का, जब हम उनकी उम्र में थे तो हम भी पराठे ही खाया करते थे, लेकिन आजकल मैंने अवॉइड कर दिए हैं पराठा खाना। तो बच्चों को बच्चों की पसंद का देना चाहिए, हम अपने खाने के चक्कर में उनका खाना बोर नहीं कर सकते, उनको जो पसंद हो वही बना के दे देते हैं। ज़रा देर लगती है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है। और एक हमारा प्यारा सा बच्चा है बानी, जो रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहती, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ट्रायंगल शेप देख के शायद वो पराठा खा ले, तो उसके लिए पराठा बना रही हूँ। सारे लोग घर में एक से नहीं होते हैं, किसकी कोई पसंद होती है तो किसी की कोई पसंद होती है। वह हरेंद्र प्रोटीन लेना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने तो शुरू कर दिया, मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने लिए डाल रही हूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो अलग हैं तो फिर उनको मैं अलग ही रहने दे देती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। और देखिए आज हो रही है बरसात, और बरसात सावन के महीने में कुछ मीठा खाने का तो सभी का मन करता है, और ख़ास करके वो भी गुड़ के मीठे गुलगुले जो हमारे सरदारों की खास डिश है, तो वही मैं आज बना रही हूँ। गुलगुले मुझे बहुत पसंद है। देखिए इनको खाने में भी कोई नुकसान नहीं है ऐसा, क्योंकि ये गुड़ के बने हुए होते हैं, लेकिन हाँ तेल में है। तो इसलिए दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें हर चीज़ खानी चाहिए लेकिन हमें जो है उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा पॉइंट जो दूसरा ये है कि देखो टाइम टू टाइम सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आजकल खीर ना बने सावन में ऐसा हो नहीं सकता, और खानी भी चाहिए। तो हम भी इन सब चीज़ों को बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी है। तो हमें खाने को जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रख के खाना चाहिए। और तीसरी बात ये जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ, वो ये है कि हमें अपने मूड को फ्रेश रखना चाहिए। और मूड फ्रेश करने के लिए ना कभी कभी हफ्ते में या 10 दिन में या 4 दिन में जब भी मौका लगे बाहर घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे क्या है ना कि हरियाली देखना ज़्यादा पसंद है, मैं शहर की तरफ कम जाती हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं। इस बहाने से खेतों की तरफ चक्कर भी लग जाता है और मूड भी बहुत अच्छा से फ्रेश हो जाता है,
और देखिए वहाँ पे ना मोर अक्सर बहुत दिख जाते हैं इन दिनों में, और कभी कभी तो नाचते भी दिखते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये नाचे, पर कोई भी मोर रास नाचा नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छे से दिखाई दे जाते हैं नाचते हुए, और ये सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है ना एकदम फ्रेश सा हो जाता है, और मूड जब अच्छा हो जाता है ना तो तब सब कुछ अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि बाहर का नहीं खाती, मैं बाहर का भी बहुत खाती हूँ। जब कभी मन करता है तो मैं बाहर का जी भर के खाती हूँ, और खाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो अगर बाहर कहीं जाएंगे, मान लो हम कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और हमें बाहर का खाना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग उस चीज़ को खा ही नहीं पाते, या तो प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ ना कुछ बात हो जाती है। तो इसलिए बाहर का भी खाना बीच बीच में खाते रहना चाहिए, उससे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, जब हम घूम फिर के आते हैं ना तो ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, यानी कि हमें एक फ्री का टॉनिक मिल जाता है और हमारा खून जो है ना वो बढ़ जाता है। और जब हमारा खून बढ़ जाता है तो हम अपने आप ही हेल्दी होने लग जाते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद है। फ्रेंड्स घूमना फिरना तो हो गया, अब बनाती हूँ अपने मूड को फ्रेश करने के लिए एक DIY। तो ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको बनाऊँ। ये सामान मेरे पास रखा हुआ था लेकिन मेरे से ना कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही थी, तो फिर दिमाग ने सोचा कि ऐसे तो बनेगा नहीं। फिर मैं अपने पास वाले कारपेंटर के पास गए हम लोग, और उनसे ये ना हमने ये इस तरीके का कुछ डिज़ाइन कटिंग करवाया। और फिर क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास औजार तो होते नहीं है, वैसे तो इतनी बड़ी बात थी नहीं, फिट हो सकता था, लेकिन सारे औजार भी तो चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने आज जो हमारा कारपेंटर है ना घर के पास में ही रहते हैं, वही हमारा सारा काम करते हैं, तो उनसे ना ये फिट करवा लिया। उन्होंने बड़े अच्छे से इसको फिट कर दिया, मैं जो चाहती थी वैसे ही उन्होंने बना के दे दिया, और बहुत ही कम दाम में उन्होंने बना दिया हमको। तो आप देखिए ये कितना अच्छा लगेगा जब ये बन जाएगा ना, तो तब पता चलेगा आपको ये क्या बन रहा है। तो ये देखिए ये ना उन्होंने वाशर लगा दिया इसके बीच में, और ये बन गया हमारा केक स्टैंड। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था तो ये बहुत महंगा मिल रहा था, और ये जो नीचे का आप देख रहे हैं ना ये सामान तो था ही, जो सबसे नीचे वाला बेस है ना वो नहीं था मेरे पास में, उसको बनवाने के लिए मेरे को कारपेंटर के पास जाना पड़ा। और ये चकला मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था, ये बानी का एक चकला था छोटा सा, जब ये खेलती थी, आजकल खेलती नहीं है, तो मैंने ना इसको यूज़ में ले लिया कुछ इस तरीके से। और ये पाए तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे पहले से ही, मैंने आपको बताया था। और ये वाला बेस मैंने सिर्फ बनवाया था, जब ये बेस बनवाया एक तो उसमें से दो फिर बन गए और बीच का हिस्सा ये निकल आया, तो उसको भी मैं ले आई। अब क्या था कि इनको निकालना था, तो इनको मैंने ना पेचकस की हेल्प से बड़े आसानी से निकाल दिया। तो छोटे वाले चकले के पाए निकले थे ना, तो ये जो बीच वाला बेस जो बचा हुआ था ना उसके नीचे मैंने लगा दिया, और ये एक अच्छा खासा सा स्टैंड मेरे लिए बन गया। और ये जो बड़े वाले हैं ना इनको मैं संभाल के रख दूंगी, ये कहीं ना कहीं फिर काम आ जाएंगे। और ये अभी दूसरा वाला बेस था, उसके ऊपर मैंने ना ऐसे ही ग्लू गन की हेल्प से ही इसको चिपका दिया। वैसे लकड़ी चिपकाने वाली एक ना ट्यूब आती है, मैं उसका नाम भूल गई, मेरे को भैया ने बताया था लेकिन मैंने ना वो ली नहीं, क्योंकि अगर मेरे को लगेगा कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तब लेके आऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छे से फिट हो गए हैं ग्लू गन से, तो इसलिए मैंने ना वो ली नहीं है। अगर कभी निकलेंगे भी तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये निकलने वाले, क्योंकि काफ़ी मजबूती से चिपक गए हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ मुझे नहीं लगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले लूँगी। ये है वार्निश, अब मैं इसके ऊपर करूँगी। ये मेरे पास डिब्बा पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि जब लकड़ी का काम हुआ था तो ये बच गई थी, तो मैं ऐसी सब चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें ना कभी भी काम आ जाती हैं। तो अब ये पॉलिश हो जाएगी इसके ऊपर, तो इसमें बहुत अच्छे से चमक आ जाएगी। तो देखिए ये मेरे कितने अच्छे से 3 स्टैंड रेडी हो गए। और ये है मेरा दही जमाने का बर्तन जो ना क्रैक हो गया यहाँ से देखिए, और इसलिए मैं अब इसको यूज़ नहीं कर सकती, तो मैंने ना इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो इसका भी बना ही देती हूँ। अब मैंने इन सबको सूखने के लिए रख दिया है, और तब तक मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ जब तक ये सूखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक शादी का कार्ड रखा हुआ था, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा और मैंने इसी को काट के इसके ऊपर चिपका दिया। वैसे मैं कोई लैस भी लगा सकती थी पर मैंने लैस नहीं लगाई,
तो क्योंकि इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही चिपका दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और बहुत सिंपल सा बना दिया मैंने इसको। ये देखिए कुछ सितारे रखे हुए थे, इस तारे लगा दिए मैंने, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। फ्रेंड्स, जब आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए ना बहुत कम दामों में तो बहुत खुशी होती है ना। ऐसे ही ना मेरे को एक स्टैंड मिल गया, मैं इनको ना ऑनलाइन देखती थी तो ये मतलब बहुत महंगे लग रहे थे मेरे को, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने पूरा घूमने वाला बनवा लिया है तो बहुत ही मतलब कम दामों में मेरा बन गया ये। मैंने जितने भी पैसे लगाए सारे इसके ऊपर लगाए, यानी कि मेरे को इसके ऊपर लगभग 400 रुपये लग गए और इस 400 में से जो है मेरे को ये जो है ये फ्री के बन गए मेरे। देखिए है ना, तीन तीन स्टैंड बन गए मेरे ओनली 400 रुपये में, तो कुछ भी बुरा नहीं है। और देखिए लकड़ी के हैं, बिल्कुल हैवी हैं और ये नहीं है कि एकदम टूटने टूटने वाले हैं जो कि बिल्कुल टेम्परेरी हों। और आपको पता ही है कि लकड़ी का तो अपना ही एक लुक होता है। तो पहले तो मेरा मन हुआ कि इन दो छोटे वालों को मैं पेंट कर दूँगा अलग कलर से, पर फिर मैं सोचा नहीं, इसका तो अपना ही एक रिच लुक होता है ना लकड़ी का, इसीलिए तो ये महंगी मिलती है और सुंदर भी इसीलिए लगती है। तो मैंने इनको ऐसे ही पॉलिश कर दिया और ये देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं। और जब तक बाद में ख़राब हो जाएंगे तो हम पेंट भी कर लेंगे, वो भी अपना शौक पूरा कर लेंगे। देखिए इन तीन के साथ साथ में ये एक छोटा सा जो इनके बीच का पीस निकला था ना उसको मैंने ऐसे फिट कर दिया। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है, सुंदर तो खैर नहीं बट ये मेरा बहुत काम आने वाला है। तो मैं घी के डिब्बे के नीचे रखूंगी तो किचन में तो बहुत अच्छे से काम आएगा। और देखिए इन पीसों को क्या होता है ना, आप कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, ये नहीं है जरूरी कि इनके ऊपर केक ही रखना है। आप इनको कहीं भी रख के इनके ऊपर कोई भी खूबसूरत सा पीस रख सकते हैं, किसी भी कोने में रख सकते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं ये। और ये तो देखिए ये तो बिल्कुल ही फ्री का है ना, कितना सिंपल और सोबर लग रहा है ना ये, बिल्कुल वेस्ट हो गया था। और अब इसको भी कहीं ना कहीं डेकोरेट कर दूंगी, फिलहाल कहाँ करूँगी पता नहीं है। फ्रेंड्स, ये वाले स्टैंड मैंने तीन तीन क्यों बनाए हैं ये आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने किसी वजह से बनाए हैं। तो कैसे लगे मेरे आज के DIY प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कुछ ना कुछ आपके बारे में जब आप कुछ कमेंट करते हैं। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी सिटी से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये पता चलता है कि आप इस सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे आज की DIY प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।